इन्हनि फार्मूलास ते ई पंहिंजो बेस थियणो आहे। चलो अच्छा सेकेंड लेक्चर सां कनेक्टेड ई अथव जेको असां कल्ह बहस में आंदोसीं। टे फार्मूलास हुया के एमसीक्यूज़ में तव्हांखे ओमेगा जी वैल्यू पुछी सघे थो, टाइम पीरियड बि पुछी सघे थो या फ्रीक्वेंसी बि पुछी सघे थो। हीअ हिकिड़ी मां स्प्रिंग ड्रॉप कई आहे, हुन स्प्रिंग सां हिकिड़ो मास अटैच कयो आहे जंहिंजी वैल्यू एम आहे, ऐं हुन स्प्रिंग जो को न को स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आहे जंहिंजी वैल्यू आहे के। तव्हां एंगुलर वेलोसिटी मालूम करे सघो था हिन जी, ऐं हिन जी एंगुलर वेलोसिटी छाजे बराबरि पई असां यादि आहे रेडिकल के बाए एम यादि रखी छॾियो, इहा ओमेगा जी वैल्यू अथव। अच्छा ॾिसो तव्हां खां एम सी क्यूस में ओमेगा बि पुछी सघे थो या ओमेगा स्क्वायर पुछी सघे थो, ऐं हितां ई हिन फार्मूले मां ओमेगा स्क्वायर छाजे बराबरि थींदो, अंडर रूट स्क्वायर में ख़तमु थी पवंदो, यानी कि अगरि हितां ई तव्हां खां एम सी क्यूस में ओमेगा स्क्वायर पुछो वञे त इहो छाजे बराबरि आहे के बाए एम। अच्छा टाइम पीरियड जो फार्मूला छा हुयो, टू पाए रेडिकल ऑफ एम डिवाइडेड बाए के, ऐं फ्रीक्वेंसी जो रेसिप्रोकल आहे वन अपॉन टू पाए रेडिकल के बाए एम। पास पेपर में सवाल आया टाइम पीरियड सां रिलेटेड, टाइम पीरियड जे फार्मूला सां, ऐं टाइम पीरियड सां पास पेपर जो एमसीक्यू इहो आहे दैट इफ मास अटैच्ड, जेको मास असां अटैच कयो आहे कंहिंसां अटैच कयो आहे विथ स्प्रिंग, जेको तव्हां मास स्प्रिंग सां अटैच कयो आहे हेल्ड हॉरिजेंटली, उहा जेका स्प्रिंग आहे उहा कीअं कनेक्टेड आहे, हॉरिजेंटली कनेक्टेड आहे बिकम फोर टाइम्स। जेकॾहिं असां हुन जे मास खे फोर टाइम्स कयो आहे त सवाल इहो आहे द टाइम पीरियड बिकम्स, जेको टाइम पीरियड आहे उहो छा थींदो, द टाइम पीरियड बिकम्स। हाणे छा मास खे चेंज करण सां टाइम पीरियड ते फ़र्क़ु पवंदो या न पवंदो, द आंसर इज़ येस, फ़र्क़ु पवंदो, ऐं फ़र्क़ु छो थो पए, छो त टाइम पीरियड जे फार्मूला में मास इंक्लूडिड आहे। हाणे टाइम पीरियड ऐं मास आहे न्यूमरेटर में, यानी टाइम पीरियड ऐं मास जो आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर रेडिकल जी शिकुल ॾिसो था पिया त पोइ मां हिनखे इहे चई सघां थो टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिकल ऑफ मास। हाणे अचो सवाल ते, सवाल जेको जेकॾहिं मास खे फोर टाइम्स कयो वञे, फोर टाइम जो मतिलबु आहे रेडिकल ऑफ फोर, ऐं फोर जो रेडिकल छा थी पवंदो टू, यानी हिन जो जेको टाइम पीरियड आहे उहो छा थी पवंदो, टाइम पीरियड हिन जो डबल थी पवंदो। त इहो मास पेपर जो क्वेश्चन आहे जेको रिगार्डिंग मास या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बि अची सघे थो, इहो ई क्वेश्चन मास में बि अची सघे थो, इहो ई क्वेश्चन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट में अची सघे थो। टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे कंहिंसां, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सां के जी वैल्यू, ऐं के जी वैल्यू कंहिं ते डिपेंड कंदी आहे असां पोइ क्लास में डिस्कस करे चुका आहियूं। हितां हिकिड़ो जनरली क्वेश्चन आहे, छा डज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, डज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम जो जेको टाइम पीरियड आहे या फ्रीक्वेंसी आहे छा उहा डिपेंड कंदी आहे, छा ते डिपेंड्स अपॉन लेंथ, आंसर येस या नो में ॾियणो आहे, यानी कि जेकॾहिं मां लेंथ खे चेंज कयां त मास स्प्रिंग सिस्टम जे टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी ते फ़र्क़ु पवंदो या न पवंदो। हाणे अगरि असां इन इक्वेशन खे ॾिसूं त किथे बि तव्हांखे लेंथ जो फैक्टर नज़र अचे थो न, यानी कि बज़ाए इक्वेशन मां लेंथ जे इंडिपेंडेंट आहे, छा इंडिपेंडेंट आहे टाइम पीरियड ऐं फ्रीक्वेंसी। पर प्रीवियस क्लास में असां हिकिड़ी शइ पढ़ी हुआसीं त जेका के जी वैल्यू आहे उहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंहिं सां हूंदी आहे, लेंथ सां, कल मां ॿुधायो न डिपेंडेंसी ऑफ वैल्यू ऑफ के, त के जी वैल्यू कंहिं ते डिपेंड कंदी आहे। हाणे ॿुधिजो जेकॾहिं लेंथ जी वैल्यू चेंज कजे, इफ लेंथ चेंजिस, यानी कि जेको मथे मां सवाल ॾिनो आहे तव्हांखे, इफ लेंथ चेंजिस, जेकॾहिं लेंथ चेंज कंदासीं त के जी वैल्यू सेम रहंदी या चेंज थींदी, चेंज थींदी, यानी कि द वैल्यू ऑफ के चेंजिस, जेका के जी वैल्यू आहे उहा छा थींदी आहे, उहा चेंज थियणी आहे, ऐं जॾहिं के जी वैल्यू चेंज थींदी त टाइम पीरियड ते बि फ़र्क़ु पवंदो, जॾहिं के जी वैल्यू चेंज थींदी त फ्रीक्वेंसी ते बि फ़र्क़ु पवंदो। त हिन क्वेश्चन जो जेको आंसर आहे उहो आंसर कहिड़ो आहे, उहो आंसर आहे येस, यानी कि लेंथ चेंज करण सां टाइम पीरियड ते बि फ़र्क़ु पवंदो आहे ऐं फ्रीक्वेंसी ते बि फ़र्क़ु पवंदो आहे। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट सम्झ में न पियो अचे छो त हिन में लेंथ इंक्लूडिड न आहे, पर तव्हांखे क्लियरली ख़बर आहे त के जी वैल्यू लेंथ ते डिपेंडेंट आहे, जेकॾहिं असां लेंथ खे चेंज कंदासीं त के जी वैल्यू चेंज थींदी, ऐं अगरि के जी वैल्यू चेंज थींदी त टाइम पीरियड ते फ़र्क़ु पवंदो ई फ्रीक्वेंसी ते बि फ़र्क़ु पवंदो। हाणे इहो आहे हिकिड़ो बेसिक कॉन्सेप्ट जेको असां मास स्प्रिंग सिस्टम, पर वरी मां रिपीट कयां कहिड़ो मास स्प्रिंग सिस्टम आहे, हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम, वर्टिकल न,
वर्टिकल में ऐसा अलग इक्वेशंस के एप्लीकेबल करना है हां इन हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में ऐसा ये कुछ इक्वेशंस डिस्कस करनी है एक्चुअली कुछ इक्वेशंस आए सभी का पहला पहला जो इक्वेशन था वो ऐसा का पूछी भी दिया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बारे में यानी कि जेकर मास स्प्रिंग सिस्टम में जो मास आ वो मूव करे तो जो तब ने जो था इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मालूम करे ले पा रहे सवाल तमाम सिंपल है छा मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन के ओबे कंदो आए या ना द आंसर इज यस ओबे कंदो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के ओबे कई तो जेके सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशंस हुयो वो सेम दे इक्वेशंस एप्लीकेबल है एक्यूरेटली इक्वेशंस एप्लीकेबल हुयो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट याद है x is equal to x not sin of फर्स्ट इक्वेशन या हुई डी इक्वेशन के लिए क्या से x is equal to x not sin of डेटा के लिए शादी क्यों होगा ओमेगा इनटू टी थर्ड इक्वेशन इज जो आने x is equal to x not sin of जिते ता जो ओमेगा तो नजर अचे ना उते ता उन दी वैल्यू रखो आई ओमेगा जादे बराबर है रेडिकल k / m द ओमेगा की जगह ते रखो रेडिकल k / m इने के जासा मल्टीप्लाई कयो डी सा मल्टीप्लाई करे जो ता आंसर मिलो यानी इक्वेशन इक्लिया असा टर्म टू टर्म ने के चेंज करन था क्या केडी इक्वेशन x is equal to x not sin थीटा इस स्टेप में मा चाहते हो थीटा चाहिए बराबर ओमेगा इनटू टी तो थीटा की जगह पे ओमेगा इनटू टी प्लेस करे उसी ओमेगा इज इक्वल टू रेडिकल k / m सो ओमेगा की जगह पे ताजी वैल्यू प्लेस करे द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ता केडी दी इक्वेशन एप्लीकेबल करे सब ये सब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होने का बाद में जो सेकंड थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आणि इन जा जेके मा रिलेशंस प्रूव कराइनो न काइंडली उनन ते थोड़ो फोकस ऑन करियो उनन मा 3 4 एडा रिलेशंस इन जेके इंपॉर्टेंट इन एमसीक्यू में वे सिर्फ ता रिलेशंस पूछत वे केडा पॉसिबल रिलेशंस थी सकन ता इन जा जेका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ वा बता लिखी पई तो x is equal to x not sin theta ज्यादा वेलोसिटी वाली इक्वेशन मा चाली कराई ता आके v is equal to v not cos of theta ये इक्वेशन लिखी है सेसा तेगरी तेरे जी जनरल ये इक्वेशन थई पईया v चाले बराबर v is equal to v not cos of theta सो फर्स्ट इक्वेशन इने जी आता अचो सेकंड इक्वेशन ते v is equal to v not cos of theta के बाद चार कंदो ओमेगा इनटू टी या बी इक्वेशन के लिए ठंडी v is equal to v not cos of ओमेगा के बाद चार कंदा सी रेडिकल k / m इनटू टी यानी कि ये मा उने साइन जा फंक्शंस आया ये ता cos जा फंक्शंस भी ठाई सको आणि जेका असा इक्वेशंस लिखी सी ने इन इक्वेशन के दे कंदा सी चेंज आई वा इक्वेशन मते लिखी पईया केली इक्वेशन आ v is equal to v not cos of theta काइंडली ने फोकस ऑन करजो एंड दिस जो ते या इक्वेशंस किए जेके दुए चेंज थिंदु बा मा पूरी इक्वेशंस राइट तो क्या ता आजे ला उन ते लास्ट में न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कंदा सी पर इको आईडिया हुजे तो इक्वेशंस के तरीके सा निकलन दे पता है सिदो भी मानता कि इक्वेशंस होता है सरा एग्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या जेका ता 9th या मैट्रिक क्लास में पढ़ी चुका है आई वा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही था केनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आए था इता मुके कबे cos जी वैल्यू द cos के सेपरेट करू कि ये सेपरेट करदा से sin स्क्वायर हो जेले लियो द cos स्क्वायर थीटा की इक्वेशन चा मिलेगी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा इटा मेले लियो स्क्वायर कदम करना चा कदा होता अंडर रूट ही ना आयो द cos थीटा के बाद चार करना से सा रेडिकल ऑफ 1 - sin स्क्वायर थीटा मती इक्वेशन में जते cos थीटा लिखे ना उन cos थीटा की जगह ते या इक्वेशन पुट कयो द इक्वेशन की थी पवंदी v is equal to v not cos theta के बाद चार करना सी अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा या इक्वेशन ता सामने की द पहली पहली की इक्वेशन जे का मते मा लिखिया v is equal to v not cos theta एंड दी की इक्वेशन टाई दी इक्वेशन टाई v is equal to v not अंडर रूट ऑफ 1 - sin स्क्वायर थीटा ताते sin थीटा की वैल्यू पुट करे सको था आई sin थीटा छाडे बराबर है दिसो x is equal to x not sin of theta ये इक्वेशन मा लिखी नो है दिसो x is equal to x not sin theta अगर इता sin theta कबे तो x not multiply तो कर एड़े जा कदो divide कदो तो sin theta चाड़े बराबर की दी x upon x not तो sin theta जब करते या वैल्यू प्लेस करो x upon x not तो v चाड़े बराबर की दो v not under root 1 minus sin theta की जब करते चार करना सी x upon x not पर इते sin के मता चाहे square आत x के भी square करो x not के भी square तो यह पहली इक्वेशन जैन में रखी चाहिए क्योंकि इक्वेशन वेलोसिटी जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन्हें बता डिस्प्लेसमेंट में ये इक्वेशन लिखी सकता हूँ
तो ये जिका थर्ड इक्वेशन थाई ये आप इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में ता ना ये इक्वेशन पूछी सकता v is equal to v naught under root of 1 minus x square upon x naught square जिका velocity है v इन्हें का चवंदा instantaneous velocity जिको v naught है वो चार सकता है जो आप maximum speed या maximum velocity x चार सकता है जो displacement जिके instantaneous displacement चाहिए होगी आई x naught चार सकता है जो amplitude तो ये सभी terms हैं तो जब अने माता के previous classes में एक वो MCQ समझाया हुआ वो एमसीक्यू जो यो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट जो जो ग्राफ कहां दो उन्हें जी शेप की थी होती है एलिप्टिकल स्टेट ना एलिप्टिकल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ एलिप्टिकल कहां दो आई इतना माता के प्रूफ जान यो एलिप्टिकल छोट कहां दो माता के ड्रा करे ले सारे एलिप्टिकल थे तो सर्किल के केस में समझाया हुआ कि वो सर्किल भी थी सके तो जैसे ओमेगा 1 के बराबर हो जाए तरह वो सर्किल थी सके तो अदरवाइज इतना एलिप्टिकल जो फॉर्म था सके तो इसको किए ये जो v नॉट है जो मल्टीप्लाई तो करे ये चीज आ कदो सही में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट नाम समझाया दे ए v नॉट है ये डिवाइड कर दो यानी कि v / v नॉट इतना छा बचो √1 - x² / x² अंडर रूट खत्म कर दिया छा कदम स्क्वायर कदम तो बीनी साइड स्क्वायर कयो v v के कदास स्क्वायर थी पोंदो v नॉट के स्क्वायर थी पोंदो एला स्क्वायर अंडर रूट में खत्म 1 - x² / x² ए पूरो टर्म माइनस जो आईडी तो छा थी पोंदो प्लस जो तो v v² / v नॉट स्क्वायर प्लस x² / x² होले छा बचो तो जस्ट 1 बचो दो आई जी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को खबर आ ये इक्वेशन हो दिया एलिप्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स या एलिप्स की इक्वेशन इन्हें के इक्वेशन ऑफ एलिप्स चाहिए हुआ इक्वेशन ऑफ एलिप्स या एलिप्स की इक्वेशन था और या इक्वेशन बताई थी द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ का नाम है ना वो एलिप्टिक का नाम हुआ तो एक लो मतलब प्रूफ था जो जहन में मुझे द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में एलिप्स इलेप्टिकल ग्राफ था तो मैंने एक लो प्रूफ ही होता एक दफा ता के मीन एक्सिस जो प्रूफ दिनो हो एक लो दाऊ की जहन में रख सको था अदरवाइज ने जो ही प्रूफ किया था ये का इक्वेशन डाल दिया वो एलिप्स की इक्वेशन था दिया एंड योर प्योर फॉर्म था एलिप्स की इक्वेशन जो v स्क्वायर / v नॉट स्क्वायर प्लस x स्क्वायर / x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इधर के दोनों इक्वेशन साफ है पहला रचो मत की इक्वेशन थे v इज इक्वल टू v नॉट रेडिकल 1 - x स्क्वायर / x नॉट स्क्वायर इतना था x नॉट स्क्वायर की एलसीएम बढ़ती करे टर्म के सॉल्व कर सको था एंड ये कदास के दिसो v इज इक्वल टू v नॉट अंडर रूट इतना एलसीएम बटो आई एलसीएम चाहिए करता है x नॉट स्क्वायर इधर जो डिनोमिनेटर में छा है 1 इन्हें मल्टीप्लाई करना से कोई टर्म मत लगे दो x नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर करता मत आचा बचो x स्क्वायर और अंडर रूट a स्क्वायर मत आ भी आए इन्हें जो स्क्वायर अंडर रूट में खत्म थी तो बाहर निकली पोंदो तो v छा ने बराबर थियो v नॉट / x नॉट बाकी ब्रैकेट में छा बचो खाली अंडर रूट में x नॉट स्क्वायर - x स्क्वायर ये जो को x नॉट स्क्वायर है यो खत्म थियो किए खत्म थियो अंडर रूट में इन्हें जो स्क्वायर खत्म कयो सी x नॉट बाहर निकली आयो डिवीजन में तो v नॉट / x नॉट अंडर रूट x नॉट स्क्वायर - x स्क्वायर जेको ताके v नॉट / v नॉट / x नॉट नजर पोजे ने v नॉट / x नॉट यो v नॉट / x नॉट छाजे बराबर आ ओमेगा जे बराबर है आई यो किए बराबर है रे सो माता के प्रूफ जाय ने जोल्टर माता के पढ़ायो v इज इक्वल टू r ओमेगा या तो v इज इक्वल टू r ओमेगा एंगुलर मोशन में माने अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होती तो v नॉट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम के छा चवंदा है x नॉट इनटू ओमेगा x नॉट मल्टीप्लाई तो करे ये छा कदो तो v नॉट / x नॉट ओमेगा जे बराबर ऐते ही मां v नॉट / x नॉट ओमेगा जे बराबर थे इक्वेशन छा मिला दी v इज इक्वल टू ओमेगा रेडिकल ऑफ x नॉट स्क्वायर - x स्क्वायर इकरी ही इक्वेशन था जे का ताके से तेरे जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन साइन केड़ी केड़ी इक्वेशन ई इक्वेशन जब एमसीक्यू में पूछी सके तो ई इक्वेशन एमसीक्यू में पूछी सके तो ई इक्वेशन एमसीक्यू में पूछी सके तो या ई इक्वेशन एमसीक्यू में पूछी सके सभी ताके इक्वेशंस याद ना इन करनी एक दफा इन के प्रूफ कयो पजो पा अगर एक दफा प्रूफ कयो ने जी मां टेक्निक ते कराइदो तो वणा पजो पाणी सब इक्वेशंस याद करा वो वेलोसिटी जो लगातार इक्वेशंस पई मतलब द वेलोसिटी इक्वेशन चारे बराबर थी v इज इक्वल टू ओमेगा रेडिकल ऑफ x नॉट स्क्वायर - x स्क्वायर ब एमसीक्यूज ना एक नी पोजीशन वेलोसिटी छाती दिया मैक्सिमम इने जो प्रूफ करना सी थे आई एक्सट्रीम द वेलोसिटी छाती दिया इने जो प्रूफ दिस टू माने एट नी पोजीशन व्हाट वुड बी द वेलोसिटी
मीन पोजीशन ते वेलोसिटी छा थींदी सभी का मैं यो बुधायो ते मीन पोजीशन ते डिस्प्लेसमेंट छा हुंदो आ जीरो द एक्स की जगह ते जीरो है कोई इक्वेशन में v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस चाहे x स्क्वायर x की जगह ते छा रखंदा सी जीरो स्क्वायर v इज इक्वल टू ओमेगा जीरो खत्म थियो x नॉट स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट में खत्म इक्वेशन छा मिली v इज इक्वल टू x नॉट इनटू ओमेगा इन के चवंदा आयु पार्टिकल जी मैक्सिमम स्पीड आया 2 टू 3 टाइम्स इन द एक्स इक्वल टू इन इक्वेशन दे आई इन इक्वेशन के चवंदा मैक्सिमम स्पीड वो मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वेशन के था लिख दिया इन माने लिख दिया v इज इक्वल टू ओमेगा रेडिकल x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्लियर थियो यो अच्छा हमने ना बाद में इन सेम इक्वेशन दे इते ही का एक्सट्रीम इस्तेमाल कर सको था एट एक्सट्रीम पोजीशन वो तो एक्सट्रीम पोजीशन दे जिको डिस्प्लेसमेंट आ उचारे बराबर हुंदो आ मैक्सिमम आई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नाल छा हुंदो आ एम्पलीट्यूड दैट इज एक्स की जगह ते एक्स नॉट रखो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रेडिकल x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर x की जगह ते मा छा रखियो आ x नॉट स्क्वायर बोथ आर गेट कैंसिल जीरो v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू जीरो छा जो आ किदो वेलोसिटी जो आई एक्सट्रीम ते वेलोसिटी जीरो हो गया मीन ते मैक्सिमम एक्सट्रीम ते जीरो मिली था जी के माता के स्टार्टिंग में कंडीशन समझायो ना वो सब इतना प्रूफ दे दो द मीन ते वेलोसिटी जे पाए हुआ मैक्सिमम आ आई एक्सट्रीम ते वेलोसिटी छा ऐसा मटे जीरो याद रहे आई एक ये इक्वेशन है लिखी पई तो यो तो ता ओमेगा जे फार्मूला रख सको था जे इक्वेशन ठाए सको था v इज इक्वल टू ओमेगा माने ओमेगा छाने बराबर पे होसी रेडिकल k बाय m तो ओमेगा की जगह ते वैल्यू पुट कर केदी रेडिकल k बाय m आई होडा रेडिकल में चाहे x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई टर्म अंडर रूट में आए तभी नहीं एक भी अंडर रूट में रख सकूं ना द वेलोसिटी चाहे बराबर की थी वेलोसिटी बराबर की थी अंडर रेडिकल k बाय m आई यो चाहते हो x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर द ए बन थवा उन पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन दिसो मा वकाब न्यू इक्वेशन ता ने सामने आए रखी एकड़ी इक्वेशन हुई वा केड़ी इक्वेशन हुई v नॉट cos थीटा उने उने के स्टेप वाइज तब्दील करना आया है आई उने जो इक्वेशन से देखी गई रहा वो हर सवाल की बात सब इक्वेशन देख में नथा रख सको एमसीक्यूज के लो एमसीक्यूज में इन्हें को मुझे न्यूमेरिकल फॉर्म नजर ना आया न्यूमेरिकल एक बाय इक्वेशन से केड़ी केड़ी इक्वेशंस मैक्सिमम स्पीड थी भाई उन्हें का बाद में भी ही इक्वेशन थी भाई बाकी ड्यू जी के इक्वेशन नो एमसीक्यूज में कुछ नहीं था द वेलोसिटी जी या तो ही इक्वेशन थी सके थी या तो ही इक्वेशन थी सके थी या तो ही इक्वेशन भी ठाए सको था या तो सा ही इक्वेशन भी ठाए सको था तब ये ता डिफरेंट इक्वेशंस ठाए सको था कि जो वेलोसिटी जो या स्पीड ये सभी टर्म्स हमें स्पीड जाने आदि के था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो क्लियर थियो यो इन दे न्यूमेरिकल के उता वो असाडी एक्सीलरेशन से लदी रहा इन के नोट पे होता आखिरी पॉइंट है जो एक्सीलरेशन इन की एक्सीलरेशन के किए फाइंड करे सो ए स्प्रिंग मास मास स्प्रिंग सिस्टम आ जे में एक स्प्रिंग आ उन स्प्रिंग सा मास टीच करेगा जे का स्प्रिंग आ इन में इन जे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ आई केतरी वैल्यू आ 10000 स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट छा न्यूटन पर मीटर आई न्यूटन पर मीटर के साथ बेच दी तो आ सरफेस टेंशन जे को मास टीच करेगा उन की वैल्यू आ केतरी मास की वैल्यू आ 50 किलोग्राम हाने क्वेश्चन में छा पूछो हो बुझियो क्वेश्चन में असा गिनो होयो कैलकुलेट एट इट्स कैलकुलेट इट्स स्पीड ता जने जी स्पीड बताणी आ एट मीन पोजीशन ते ता जने जी बताणी आ स्पीड पहला सवाल यो आ सेकंड क्वेश्चन बुझियो कैलकुलेट कैलकुलेट इट्स स्पीड सेकंड क्वेश्चन में भी ता जने जी स्पीड बताणी आ व्हेन इट मूव्स जने यो छा करे मूव करे व्हेन इट मूव्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन जने वो मीन पोजीशन का 10 सेंटीमीटर अगते डिग्री वने तो वो ता कने जी स्पीड बताणी अच्छा इने में जो एम्पलीट्यूड आ वो एम्पलीट्यूड असा मटाए 20 सेंटीमीटर मुझे बताया तो फर्स्ट क्वेश्चन में केड़ो फार्मूला इस्तेमाल करदो सेकंड क्वेश्चन में केड़ो फार्मूला इस्तेमाल करना माने थोड़ो टेक्निकल सोचो पाण अच्छा पहले फार्मूला मां अप्लाई करे सना दो एडी का स्टेटमेंट कोने के एम लोटा की कोने अच्छा सेकंड फार्मूला इस्तेमाल कीदो इने में ना तो थी सके अच्छा भला थर्ड फार्मूला इस्तेमाल करे सको का सर की इस्तेमाल करदो जरे तो ताकि v नॉट की वैल्यू ही ना v नॉट मतलब मैक्सिमम स्पीड की कदो मैक्सिमम स्पीड v नॉट की वैल्यू क्या उन
उन्हें का फोर टाइम सॉल्व कियो ना बुझो मुझी का डेटा में छा छा मिलेगा के यो छा मिलेगा को छा मिलेगा आने दिस उल्टा बार लास्ट बार मुझे मार्क्स में आता उन्हें रेडिकल के बाय एम अंडर रूट एन टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आने थोड़ा मुझी का समझो आने इन्हें डेटा के मुताबिक कंफ्यूज रहते जो बुझो के की वैल्यू गिवन ना एम पे गिवन ना एक्स नॉट वे गिवन ना न्यूमेरिकल में एकड़ो बियो टर्म भी आ एक्स हाने हिते मा गाल की गई या बी पोजीशन ते एक्स छा हुंदो आ यानी के एक्स की वैल्यू 0 तो जेका क्वेश्चन में मिले कोने मतलब पार सब हां आने ता उल्टा में इस्तेमाल करे सब का केडी इक्वेशन लगाई दो बी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम इनटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या तो अगर अगर वही बता है ना जेको वो कंफ्यूज हो तो सही इक्वेशन इस्तेमाल थी दिया रे थी दी इते मा स्पीड चाहिए या केडी पोजीशन ते मीन पोजीशन ते स्पीड मैक्सिमम हो दिया मिनिमम आई मैक्सिमम स्पीड जी मते मते इक्वेशन दिसो v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा x नॉट सागो रखो ओमेगा छाजे बराबर हो दिया माने k / m डेटा मिलेला असा वो भी इस्तेमाल कर सको आणि इते छे तो कैलकुलेटेड स्पीड स्पीड ही मालूम करे दे खारो व्हेन इट मूव्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन सवाल ही बात जो 10 सेंटीमीटर छाए हाय 20 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड हो इते जो 10 सेंटीमीटर आवो छा सर राज दो वो सर राज दो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हाय इन में भी केडी इक्वेशन इस्तेमाल करनिया लास्ट वन बाय केडी इक्वेशन इस्तेमाल करना सी v इज इक्वल टू अंडर रेडिकल k / m इनटू x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डेटा जो का डेटा गिवन होते ना उन डेटा के डीसी करे क्लियर करना सी केडी इक्वेशन एप्लीकेबल कर सको एटी इक्वेशंस याद नथा करे सको कयो चाहे के एटलीस्ट 2 टू 3 टाइम्स प्रैक्टिस करे इन पूरी इक्वेशंस के एक दफा प्रैक्टिस करे को बुक जी के साइड पे लिखी छे जो कोने ते न्यूमेरिकल पंजा पार्ट खायो मुक्तले वैल्यू लिखी करे एटलीस्ट एक फार्मूला ते अगर बस न्यूमेरिकल पे होता वो फार्मूला ता आ जाए भी बस आई स्पीड जी के इक्वेशन अप्लाई करे सको वो यहां ते ना ते न्यूमेरिकल दी दो यहां ते ज्यादातर छा पूछा गया है ये फार्मूला पूछा गया था जेके फार्मूला ता आज सब लिखा गया है मेरा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स डिस्कस करना इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट का बाद में असा जाऊं का एक्सीलरेशन दे दैट इज नेम्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन माना इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जा टर्म भी असा इस्तेमाल कर सकूं का इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इक्वेशन ता के खबर आ a इज इक्वल टू माइनस a नॉट sin थीटा चाहे करे जो तो x से x नॉट sin थीटा होयो एंड एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x हुदोआ तरह सा ने नेगेटिव जी sin इज हाने जका sin थीटा जी वैल्यू ता के खबर आ sin थीटा चाहे बराबर आ मोया समझाय मा x अपान x नॉट इन जगह दे रखो a इज इक्वल टू माइनस a नॉट sin थीटा की जगह चार करना सी x नॉट अपान x नॉट हाने ये जो x नॉट आ यो डिवाइड तो करे यो इनके भी डिवाइड करे सके तो a इज इक्वल टू माइनस a नॉट अपान x नॉट इनटू x जिको ता के a नॉट अपान x नॉट तो नजर अचे ना यो छाजे बराबर आ ओमेगा स्क्वायर के बराबर तो इन जगह ते ओमेगा स्क्वायर रखो तो a बराबर की पो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x दिया खबर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की इक्वेशन सवाल पूछी सर होता सर ये इक्वेशन ता किए टाई मा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ता के पढ़ाई हुई उते मा ता के फार्मूला बतायो a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर याद आयो फार्मूला इन में कयो चा अगर मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ ते a नॉट टाइम r चा में तब्दील दी दी x नॉट इनटू ओमेगा स्क्वायर x नॉट मल्टीप्लाई तो करे डिवाइड कर दो a नॉट अपॉन x नॉट बराबर की पो तो ओमेगा स्क्वायर ये तो सेम टर्म है देखिए a नॉट अपॉन x नॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एना मा बिबल पॉसिबल एब्सोल्यूट दी सकता एट मीन पोजीशन एक्सीलरेशन छा थिया एट मीन पोजीशन में x छा हुंदो आ तब a बराबर थी दो माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 0 द a जी वैल्यू छा मिलंदी असा के मीन पोजीशन ते एक्सीलरेशन वैसे भी 0 आ उने का बाद में एक्सट्रीम पोजीशन ते असा x के चेंज करदा सी x छाडे बराबर हुंदो आ x नॉट ते a छाडे बराबर थी पोंदो माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x नॉट आई ने के ना चाहता हूं ना उठड़ी एक्सीलरेशन मैक्सिमम एक्सीलरेशन द ये मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की इक्वेशन सब हां ये एक्सीलरेशन ही वेलोसिटी या टर्म जी के ताने सामने क्या के लिए एक नंबर टॉपिक डिस्कस किया था वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम में कणो चाहे जेको मा ता के हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ायो न हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में असा के स्प्रिंग के मास के सरफेस पे हॉरिजॉन्टल रखो पिया हाने ता के कणो चाहे ता के उनी
सिस्टम के लिए प्लेस करनो आ वर्टिकल प्लेस करनो आ वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम चवंदा हूं सामने के वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम आई वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम दिस जो इक्वेशंस में केड़े तरीके से इस्तेमाल करना है भाई ये सा बटे का डिग्री फिक्स्ड पोजीशन आ इता आसा स्प्रिंग कई सी उन स्प्रिंग सा आसा एकड़ो मास अटैच करे छियो इन स्प्रिंग ते एकड़ो फोर्स लगंदो इन मास की वजह सा जिको स्प्रिंग के काले छिकी दो डाउनवर्ड छिकी दो आई उन फोर्स के आसा छा चवंदा हूं वेट आई वेट की इक्वेशन छा हम दिया m into g के बराबर जेका स्प्रिंग ता इस्तेमाल कई उन जो कोण को कांस्टेंट आ जेके आसा के स्प्रिंग कांस्टेंट चवंदा मकल वाले लेक्चर में ता के जो फार्मूला बुदायो के जो फार्मूला छेड़ो पड़ियो सी k is equal to f upon s k is equal to f f छाडे बराबर आ वेट जे वेट अपॉन x आई वेट छाडे बराबर आ mg देते mg डिवाइडेड बाय x ले खता तो k की वैल्यू ता के मिली ए छाडे बराबर मिली k is equal to mg upon x हाने ओमेगा जा फार्मूला ता के खबर है ओमेगा जो फार्मूला छा होयो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m k की जगह दिया वैल्यू रखो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k की जगह छा रखनासी mg अपॉन उन के छा सा डिवाइड करदो m m गेट कैंसिल मथ्यात बचो g एटा छा बचो या तो ओमेगा जी पे पर या के जे लाए वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम जिमे g या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई x चाहे x आया सवट उन में एक्सटेंशन जेका बताओ पैदा थई जो डिस्प्लेसमेंट कवर करे या आई ओमेगा जी पे याद रखी चले उन का बाद में जो टाइम पीरियड d जो फार्मूला चाहो याद आ रेडिकल 2 पाई अंडर रेडिकल m अपॉन k द d इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल m अपॉन k k की जगह पे वैल्यू प्लेस करो केड़ी k की जगह पे रखना सी mg डिवाइडेड बाय x mm गेट कैंसिल x मथे ले लियो d इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल x अपॉन g ए तव टाइम पीरियड आई ने के उबदो कयो द फ्रीक्वेंसी मिलत रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन f इज इक्वल टू 1 अपॉन t f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई के तदा से जाती मतलब 1 अपॉन 2 पाई अंडर रेडिकल x बाय g आ दियो शामिल दो g बाय x दैट्स फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इन में का डिफरेंस पॉसिबली एमसीक्यू लचे अंडर जे पर फार्मूला से अंदर कल कोन ही न्यूमेरिकल खणिया न्यूमेरिकल में ये फार्मूला इस्तेमाल वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम टॉपिक ता के केपी के फेडरल की थे मतलब मिला पर केपी केपी के जे साइड में एक न्यूमेरिकल आज मैंने पास किया सो वो फार्मूला ही पास किया तो मेरा ये फार्मूला याद रखे चल जो सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है उन में के आई एम होया इन में जी एक्स इते के अपॉन एम आ इते जी अपॉन एक्स होते अंडर रूट एम अपॉन के होयो इते अंडर रूट एक्स अपॉन जी होते रेडिकल छा होयो रेडिकल होयो के बाय एम इते रेडिकल जी बाय एक्स ये तो है इने सा कनेक्टेड यो टॉपिक थी वा माने सा यो सेकंड लेक्चर जो मुकम्मल वाइब्रेटरी मोशन जो पार्ट 2 पे तदा शिक्षा ला सुमाने परस्पाने टेक्स्ट थर्ड लेक्चर ते कुछ जो सिंपल पॉइंट आई वो फाइनल लेक्चर जो ऑसिलेशन या वाइब्रेटरी मोशन जो वो असाइन दा से वेव्स वाले पोर्शन